पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुरदासपुर तरनतारन तक के किसान हजारों की तादाद में जिंद के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हरियाणा के जिला जिंद में सबका रात्रि ठहराव हुआ। किसानों के साथ उनके बच्चे व महिलाएं भी दिल्ली कूच कर रही हैं। जिंद में ही 30,000 से ज्यादा किसानों के खाने की तैयारी की गई। रात तक जितने भी जत्थे पंजाब की तरफ से आए उनका रात्रि विश्राम जिंद में ही हुआ। आज सोमवार सुबह ही यह सभी किसान इकट्ठे होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये पंजाब दे विचों उस किसान तो डबल ही होके आ रहे हैं जी। ये तरन तारण तक गुरदासपुर हो हद तक पाकिस्तान की हद तक तो किसान चले हुए ने। जेडे खनौरी का रास्ता होंदे हुए इत्थे अज उन्हां दा स्टे होगी। अपना ये जांच खुरद ते जांच कलां ते बड़ौदी इत्थे तीनों पिंडां ने रल के प्रबंध किया होया है। किसानां दे खाने दा रात दे रहण दा साढ़े नाल माइयां भी ने उन्हां दा वक्खरा प्रबंध अड किया पिंड वालियां दा। असीं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ पिंड वालियां दे, इन्हां दा बहुत धन्नवाद। असीं उन्हां सारे देखिया सारे घूम फिर के ये बहुत सोहना प्रबंध किया होया इन्हां दा। तो यहाँ किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पूरा गांव मतलब पूरी सेवा पे जुटिया खड़ा है। कितने गांव के कितने लोगों में व्यवस्था की है आपने? हमने यहां पर कम से कम 30,000 आदमियों का खाना कर रखा है। बाकी कितने भी आओ खाने की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो क्या सोचकर आपने ये व्यवस्था की है यहां पे? ये व्यवस्था जी जैसे अपना एक तो भाईचारा बढ़ रहा है अपना। इन्होंने जो राजनीति पार्टियों ने जो दरार डाल रखी थी आज उनको भी पता चल गया भी कैसे भाई हैं हम भी कैसे भाई हैं। जैसे दो भाई अलग कर दिए थे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा मतलब वो आज़ाद हो गया, वही नवंबर का महीना है शुरुआत हुई है जो हम पंजाब हरियाणा इकट्ठा होने जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।